ममता बनर्जी तीसरी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुकी हैं। चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने 294 में से 213 सीटें हासिल की। चुनाव परिणाम आते ही राज्य के कई हिस्सों से हिंसा की खबरें आने लगी। टीएमसी और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। सोशल मीडिया इस मामले को लेकर काफी एक्टिव दिखा। ऐसे में प्रियंका कश्यप 2 नाम की एक यूजर ने एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की स्थिति भयावह है। बीजेपी तमिलनाडु के अध्यक्ष निर्मल कुमार ने 2 तस्वीरें शेयर की हैं और लिखा है कि 5 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत हो चुकी है। पत्रकार उन्नी कृष्णन ने यह तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है कि बंगाल में हो रही हिंसा की इस तस्वीर की व्याख्या करने के लिए उनके पास शब्द नहीं है। इसके अलावा ये तस्वीर फेसबुक पर भी कई लोग शेयर कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि बंगाल को टीएमसी से बचाया जाए। इस तस्वीर का रिवर्स इमेज सर्च करने से पता चला कि ये 3 साल पुरानी है। हिंदुस्तान टाइम्स में मार्च 2018 में छपी एक रिपोर्ट बताती है कि ये पश्चिम बंगाल के आसनसोल में रामनवमी के समय सांप्रदायिक हिंसा के बाद की तस्वीर है। हिंदुस्तान टाइम्स ने इस तस्वीर का क्रेडिट न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिया है। इस हिंसा में आसनसोल की एक मस्जिद के इमाम के बेटे की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद इमाम इमदादुल राशिदी ने लोगों से अपने बेटे की हत्या के बदले में और हिंसा न करने की अपील की थी। इसी हिंसा की एक तस्वीर अब ये कहकर शेयर की जा रही है कि ये पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम के बाद टीएमसी समर्थकों की हरकत है। ये तस्वीर इंडियन एक्सप्रेस की मार्च 2018 की एक रिपोर्ट में भी शामिल है। ऑल्ट न्यूज की अपने दर्शकों से गुजारिश है कि किसी भी वीडियो, फोटो, न्यूज आर्टिकल को शेयर करने से पहले उससे जुड़े तथ्यों को जांचें और लोगों को भड़काने, हिंसा के लिए जमीन तैयार करने में भागीदार न बने। आपकी सतर्कता आपको पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा का एक मोहरा बनाने से बचा सकती है।